अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे और रात को मम्मी के साथ मैं रुका था। डैडी और अशरफ चले गए थे घर पे, अंकल भी चले गए थे, बोले कि तू ही रुक करके, तो मैं रुक गया। फिर मम्मी को रात को 12 बजे के बाद कुछ खाने नहीं बोले थे। फिर अभी सुबह 7 बजे आके मम्मी का फास्टिंग का एक ब्लड लिए। फिर उसके बाद कुछ 9 बजे आके टीटी का इंजेक्शन दिए। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं दिए। अभी बोले सुबह एक मैरीगोल्ड बिस्किट का पैकेट और दूध ला के दिए थे फास्टिंग का चेकअप करने के बाद। फिर वो मम्मी को खाने बोले। फिर उसके बाद ना पानी पीने का है ना खाने का है ऑपरेशन तक। ऑपरेशन के बाद भी कुछ खाएगी और पिएगी ऐसा करके। अभी एक डॉक्टर ने भी आए थे, वो भी बोले कैसे क्या है, तो मम्मी सो रहे हैं अभी, अच्छा है सोने दो। रात हो तो रात को कुछ 2 बजे तक मम्मी को नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद अभी जाके थोड़ा सो रहे, तो अभी 2 बजे का ऑपरेशन है, अभी बज रही है 10:30। देखते मैं भी कुछ नाश्ता किया नहीं हूँ, मैं भी जाता हूँ अभी कुछ कैंटीन में जाके नाश्ता कर लेता हूँ। मम्मी को बोल के जाता हूँ, तो मम्मी मेरे रूप आए तो मम्मी डर जाएगी अकेला। मम्मी सो रहे हैं मस्त में, देखो मम्मी के साथ सो रहे हैं मस्त में एकदम। रात को उनको दर्द हो रहा था हाथ में, वो जिधर वो लगाए ना वो सब वो लगाए ना वो खून निकालने का उधर, तो मैं बैठा था मम्मी के पास, वो हाथ पे ऐसा आराम आराम से ऐसा ऐसा कर रहा था। तो मम्मी सो गए थे, कराटे लेके सो रहे। मम्मी इधर एसी है ना पूरा ठंडा एकदम, घेरे नींद में सो रहे मम्मी। तो चले गए, अभी मम्मी सो के उठ गए है, अभी बज रही है एक है ना, एक बज रहे। उन्होंने कपड़ा ला के दिया, बल्कि कपड़ा चेंज कर लो। कपड़ा चेंज हो गया, ब्लू से कौन सा हो गया, ग्रीन, ऑपरेशन ऑपरेशन या ऑपरेशन वाला कपड़ा हो गया। सुबह में खाई थी 7 बजे चाय बिस्किट, खाली चाय नहीं दी थी, दूध दिए थे, मिल्क और ये मैरीगोल्ड बिस्किट, 4-5 बिस्किट खाई थी और थोड़ा सा दूध पी थी बस। इसके बाद में 7 बजे से पानी भी नहीं पीने का, कुछ खाने का भी नहीं जब तक ऑपरेशन है। तो इधर लिखा दिया नहीं, नील बाय माउथ, मतलब मुंह से कुछ भी नहीं देने का, खाने का नहीं, नील। बैठी हूँ अभी और कपड़ा चेंज किए, बोले लेके जाएंगे अभी 1 बजे। 1 बजे लेके जाएंगे, जल्दी लेके जाते अंदर ना, कुछ सुन करेंगे सब करेगा ना। यहाँ पे डैडी आ गए, अंकल आ गए, अशरफ पीछे बैठा है, सब बैठे इधर। मैं तो रात को सो ही नहीं पाती, नींद नहीं आ रही। सुबह आके तो सोए तुम, तो आवाज भी नहीं ना। हाँ 6 बजे तुम इधर उठ के बैठे थे, तो मेरी आँख खुली, मैं उठ के बैठा, फिर वो आई थी, मैं जागा ही था। मैं कब सोया, 3:30 बजे तो सोया मैं, तो सो गया था कभी तो मेरे सोने के बाद घबराए रहे तो। फिर 6 बजे उठ गया था मैं भी, फिर बेडशीट वगैरह चेंज किए ना सब। दवाखाने में रूम में ऐसा डर नहीं लगता, पूरा उजाला आता है इधर का, कौन कौन मिलने आएंगे वो भी बताएगी अम्मी से। आज बहुत लोग आने वाले नीचे करके रखो, अंदर जाएगा तो फिर ऊपर कर लेना, नीचे कर दो थोड़ा। हाँ बस
टेंशन मत लो, नहीं जाएगा उतना ही खुलेगा, इतना ही जा रहा है समझ। पढ़ते रहो जाए, मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए, अभी तक आए नहीं, कम से कम एक घंटा होने आया अभी तक। मैं आके बाहर बैठा हूँ, मुझे हॉस्पिटल में बैठने अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी है नहीं तो तभी मैं हॉस्पिटल के बाहर आके बैठा हूँ। मम्मी अभी आएंगे बाहर तो मैं जाके आप लोग को भी दिखाऊँगा। आप लोग दुआ करो मेरे मम्मी फटाफट जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर आप लोग के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए। देखते अभी वो तो मम्मी गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, आएंगे तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सुन नहीं किए थे, असर वो असर हो गया, गया असर, असर गया लगता सुन का। आराम से आराम से, स्लो स्लो लेते जाओ, जान रुको जल्ला। अंकल बोले मैं घर पे जाके आता हूँ, छोड़ रहा भी नहीं ऊपर, तो चले गए मम्मी ऑपरेशन थिएटर से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बाहर आ गए, मम्मी का अच्छे से ऑपरेशन हो गया। देखो वो हाथ में ऐसा लगता रहेगा फ्रैक्चर का ऑपरेशन है, लेकिन नहीं, ये नस का हुआ मम्मी का, है ना। काफ़ी दर्द हो रहा है मम्मी को, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। अभी वो सुन था, पूरी बॉडी सुन गए थे ना, बेहोश कर दिए थे, तो तभी मालूम नहीं पड़ा। अभी होश में आने के बाद फिर एक डेढ़ घंटे के बाद फिर दर्द होने लगा बहुत मम्मी को। आप लोग दुआ करो मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाला था तुम ऑपरेशन थिएटर में गए तो, अस्सलामुअलैकुम मैं आसिफ बोल रहा हूँ, मम्मी ऑपरेशन थिएटर में चले गए। आप लोग मम्मी के लिए दुआ करो कि मम्मी अच्छे से बाहर आए और जल्दी ठीक हो जाए। रात को भी ऐसा ही रखते सोने का।
उस सपोर्ट के लिए उधर साइड पिलो लगाया, मैं लगाया पिलो। अभी बोले कि कुछ, मैं बोला कुछ खा पी सकते हैं क्या, बोले नहीं खाली। 4 बजे आए थे मम्मी बाहर ऑपरेशन थिएटर से, उसके बाद बोला कि 1-1.5 घंटे के बाद कुछ पीने देना और थोड़ा एक एक घूंट पानी पिला लेना, 2-2 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहने का। तो चले गए ये सभी मम्मी, तो मम्मी को थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग चेहरे से दिखता रहेगा आप लोग के मम्मी को, है ना। चल मम्मी जरा आराम है, भी हाथ में दर्द कैसा है अभी? दर्द कम हुआ है। मैं घर पे गया था थोड़ा, फिर आया हुआ डैडी बैठे थे। खाना खाए? पहले पानी दिए थोड़ा था, 5-5 मिनट में पानी पिलाए। अच्छा फिर उसके बाद में फिर पानी के बाद में नींबू का जूस दिए थे ना कुछ? नींबू पानी दिए। हाँ नींबू पानी दिए, लिक्विड दिए नींबू पानी में। नींबू पानी के बाद में फिर उल्टी, तुमको उल्टी हो रही क्या पूछे, उल्टी कैसा हो रहा, उल्टी हो रही? मैं बोली नहीं हो रही है। फिर खाना दिए, खाने के लिए क्या दिए थे खाने में? दाल चावल, 3 रोटी, 2 किस्म की भाजी। अच्छा, मतलब सब खाने दिए, ऐसा कुछ परहेज नहीं किए? थोड़ा खाना खाए, वेरी गुड। फिर खाना खाने के बाद में फिर पूछे अभी कुछ हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है। फिर दवा दिए और फिर वो जो सलाइन का जो लगाए थे वो निकाल दिए। ये निकाल दिए मम्मी का, बोले अभी कोई खून वून निकालने का नहीं है, सलाइन लगाने का नहीं है, तो इसको निकाल दो, फिर कल से डिस्चार्ज मिल जाएगा ना। क्योंकि ये हाथ भी एकदम ये है, एकदम ये ऐसा पूरा बांध देता है, दर्द होता है सब जगह। आराम से नीचे बस उठाओ मत। और ये भी था ना, तो मैं बोली इसकी जरूरत नहीं तो इसको निकाल दो, तो इसको निकाल दिए। मतलब ये हम लोगों की दुआ से अच्छा हो गया ऑपरेशन भी, सभी थोड़ा बहुत दर्द है हाथ का वो कम हो जाए, ठीक हो जाएगा। अभी टाका लगाए, टाका लगाए, कल डॉक्टर आएंगे ना पूछने कितना टाका लगा। हाँ कल पूछ के, एक लगा, दो लगा, कितना लगा, नस खोल लेना। दो ही लगा रहेगा, 2 से 3 लगा रहेगा। फिर रेसिपी का आराम, कम से कम 15 दिन रेसिपी बना के रख के आई हूँ मैंने। हाँ खाली उसमें आवाज़ देने का है, बाद में घर पे जाके, घर पे अभी मुमरा जाएगा ना खाला है घर पे, तो उधर आवाज़ देके उधर अपलोड कर दूँगा। आराम नहीं करती हूँ ना जल्दी। वही फिर दवा खाने में अल्लाह ताला भेज देते, बोले जा तू ऐसा खाने में तो लेटेगी नहीं, कभी सोएगी नहीं, जा उधर जाके सो, आराम कर, आराम कर। कल जब मैं लेटे हैं बस में, मैं कितना अच्छा लग रहा है, मैं आराम कर रहे एकदम, ना घुटने वीडियो का टेंशन, ना क्या रेसिपी का टेंशन, ये ला वो ला, नहीं ना घर में पसारे का, इसका एकदम फ्री है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम लेटे आराम से, मुझे कंटाल आता है। इन लोग मेरे को बोलते हैं ना तुम घर में रहेंगे तो कभी बैठेंगे नहीं, तुमको काम ही तुम्हारा हाथ पाँव चलते रहना मतलब। अच्छा है ना बेटा, हाथ पाँव जितना चलेगा उतना अच्छा है। अच्छा है हाथ पाँव चलेगा, इतना हाथ पाँव चलने चाहिए कि अपने हाथ पैर में तकलीफ हो जाए। क्या करूँ, मेरे को काम की चादर दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे नहीं बेटा, कभी मम्मी को मैं अब्बा को बोलूँगा थोड़ा मम्मी को समझाने के लिए, कभी काम थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, कम ही कर दी अभी, पहले से तो बहुत काम कम कर दी, पहले जब तक काम भी नहीं करती मतलब, तो एक बार सुबह से जो चालू कर दीजिए रात को 11-12 बजे तक काम कर। तो चलिए अभी आज मैं नहीं रुकूँगा, डैडी रुकेंगे क्योंकि मम्मी को हाथ में प्रॉब्लम है, तो डैडी अच्छे से मम्मी को थोड़ा संभाले के देखेंगे, कुछ वॉशरूम वगैरह जाना रहा तो डैडी लेके जाएंगे, कुछ तकलीफ हुई तो कैसे डैडी को मेरे से ज़्यादा मालूम है, तो डैडी थोड़ा रह जाए तो अच्छी बात है ना। तब मैं बोले तू आज घर पे चले जा, डैडी आज रह के करके दरवाजा बंद करके बराबर सोना, एकदम बराबर का ध्यान रखना, पलंग खोलना मत, नहीं नहीं नीचे गदेरा डाल दूंगा, शेरा को डब्बे में डाल दे, डब्बे में डाल दूंगा उसको। मैं शेरा क्या कर रहा है, सुबह नाश्ता करके आता हूँ मैं, ठीक है? अभी अब्बा आएंगे तो मैं चले जाऊंगा। चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। अभी कल मम्मी को डिस्चार्ज देंगे तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखना।